हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू अ लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज हमने एक बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा और ये ट्रेड मैं कल रात को 11 बजे यूट्यूब पे डाल चुका था, आपने देखा होगा। ये वाला ट्रेड था, 40,000 लोगों ने, कम से कम 35-40,000 लोगों ने इस ट्रेड को देखा। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया। मैंने किया एंड आई मेड अराउंड 16.9 लाख रुपीज। मैं इससे ज्यादा बना सकता था अगर मैं सही निफ्टी ट्रेड करता तो। मेरे से भी कुछ गलतियां हुई इस ट्रेड में, क्या हुई गलतियां और क्या करने से और प्रॉफिट आ पाता। हमने मार्केट यहाँ पे एग्जिट किया, मार्केट और ऊपर गया बाद में। क्या रिग्रेट करना चाहिए, बहुत मतलब ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेड था, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कॉन्स्टेंटली बैठना बहुत टफ काम है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप जानते हो वो 5-5 मिनट की कैंडल भी लगता है कि एक एक घंटे की कैंडल है। बड़ी मुश्किल से मैनेज किए, निफ्टी ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी साइडवेज गया, फिर भी मैं कैसे भी करके इस ट्रेड को जितना हो सका मैनेज कर पाया। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऑप्शन बाइंग करके बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका, लेकिन आपको मालूम होगा अगर किस दिन ऑप्शन बाइंग करनी, किस दिन सेलिंग करनी है, तो आप काफी हद तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज ऑप्शन बाइंग कैसे करते देख लेते हैं, आने वाले वीडियो में सेलिंग भी देख लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं पॉइंट्स को नोट करना, आराम से पॉज कर दो, लाइक कर दो और धीरे धीरे करके अच्छे से देखना। मतलब जल्दबाजी में 1.5x करके 2x करके कि कैसे भी निपटा दो, काम की तरह मत देखना यार। यहां पे सीखने मिलेगा और काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा लाइव ट्रेडिंग वीडियो जहां पे मैं रियल इमोशंस दिखा रहा हूं, रियल प्लानिंग दिखा रहा हूं, रियल कैपिटल लगा रहा हूं और आपको रिटर्न्स बना के दिखा रहा हूं। प्लीज वॉच दिस वीडियो विद काम माइंड एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज एक्सपायरी डे एंड जस्ट लुकिंग एट द मार्केट्स। तो स्टडी कर रहे हैं मार्केट्स में, देखेंगे तो निफ्टी अपने दिन के हाई के पास घूम रहा है। ठीक है, निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी कंपैरिजन में, बट बैंक निफ्टी में मेरे को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है और वो एक मॉर्निंग स्टार बनाने जा रहा है। मतलब दिस कुड बी अ फेक ब्रेकआउट। तो अगर देखेंगे तो अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है और अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग तरीके से करके एक क्लोजिंग देता है जोन के अंदर और अच्छा ब्रेकआउट अपन को अगर एक बार देता है और सेम टाइम पे निफ्टी हाई बनाता है, निफ्टी हाई तोड़ता है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी साथ में होने की है, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हाई तोड़ना और बैंक निफ्टी का जोन के अंदर आना, तो हम बैंक निफ्टी को बॉटम पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। निफ्टी भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, बट मैंने पे सारे बैंक्स ओपन कर रखे हैं। ऐसे ऐसी बैंक भी जोन के बाहर जाकर के ऊपर क्लोजिंग देने वाला है। अगर ये ऐसा देता है तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है बैंक्स के अंदर भी, बट विल सी किसमें ट्रेड करना है, निफ्टी की बैंक निफ्टी, बट नो एंट्री टिल नाउ बैंक निफ्टी में, इसलिए नहीं पूरा अपर विक्स कोई एंट्री नहीं। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी स्टिल नॉट एबल टू ब्रेक द सेम पॉइंट 268 जहां से ये मैसिव फॉलिंग हुई थी। तो दोनों नहीं हुए हैं, देयर इज नो जेन्युइन एंट्री एज पर एनी सिग्नल, देयर इज नो सिग्नल टू एंटर एज ऑफ नाउ। तो चलो देखते हैं क्या होता है, विल वी गेट एन एंट्री और नॉट। मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है, बास्केट्स बना के रखे हैं बैंक निफ्टी के लिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 2-3 बार। अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैं अच्छी क्वांटिटी अराउंड 20 लाख रुपीस के आसपास से एग्जीक्यूट कर दूंगा इसको, जो कि दिख रहा है मेरे को कि लगभग मेरे को क्लोजिंग मिल सकती है। आई एम वेटिंग फॉर दिस कैंडल, यू नो मैं 8 मिनट और वेट करना चाहता हूँ। 8 मिनट के अंदर अगर कोई सॉलिड मोमेंटम मिलता है तो मैं एंटर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये भी मार्केट तोड़ सकता है उसके बाद, लेट्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 36,500 पे है यहाँ पे ओआई। देखोगे तो कितना हाई मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बहुत हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी एकदम अपने उसी पुराने इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है जहां से लास्ट टाइम गिरा था। यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट है ना, जो पार्टी अभी जीत गई बुल्स और बियर्स, इट विल यू नो गिव अ बिग मूव, बिग मूव मिल सकता है उसी बिग मूव। अगर ये ब्रेक कर पाए और ये इसको 500 को होल्ड कर पाए तो इस कैंडल पे, यू नो अगर ये 50 मूविंग एवरेज को तोड़ पाए, तो अगर ये इसको यहां तक तोड़ पाता है ना तो ये बहुत सॉलिड एंट्री बनती है। वी हैव टू वेट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो ये एंटर कर पाएंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, पोजिशन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम बन सकता है अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो। डाउनसाइड तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई वोंट बी प्लेइंग एनी डाउनसाइड मूव। द मार्केट इज ऑलरेडी एट अ स्ट्रक्चरल बॉटम 200 EMA पे, तो मैं छोड़ दूंगा मार्केट एंड ट्रेड नहीं करूंगा। हमारी एंट्री काफी क्लोज है, निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिन का हाई तोड़ दिया ना, दिस इज अ ग्रेट एंट्री इन निफ्टी। बट निफ्टी ऑलरेडी टॉप पे टॉप बना रहा है और मेरा मन अभी बैंक निफ्टी ट्रेड करने का, क्योंकि मैं सारे बैंक स्टडी कर रहा हूँ और सेम HDFC बैंक इसकी तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं इसमें एंट्री अभी क्यों नहीं ले रहा हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये इसे नहीं तोड़ पाया 541 के लेवल को, यहाँ पे वो इतना रेजिस्टिव लेवल है निफ्टी का, उससे बहुत बड़ा फॉल आया था, इसलिए मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूँ 543 के ऊपर।
एक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाए, भले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मिल जाए, बट यू नो थोड़ा ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाए, पिवट ब्रेकआउट हो जाए तो वेल एंटर। तो देखो यार तरीके से डेटा चेंज हुआ, अभी देखा आपने, द पुट्स आर मोर देन चेंज इन पुट्स आर मोर देन चेंज इन कॉल्स। अब लोग अपना व्यू चेंज कर रहे हैं कि 5.5 मिलियन था और ये 3.3 मिलियन था, 5.5 से 4.9 हो चुका है, 3.8 हो चुका है, तो डेटा भी चेंज हो रहा है। निफ्टी का भी चेंज हो गया होगा मेरे हिसाब से, यस निफ्टी में भी काफी ज्यादा डेटा चेंज हो चुका है। एक्सट्रीम पुट ओआई चेंज, मतलब मार्केट डेटा वाइज काफी बुलिश हो रखा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइस एक्शन नाउ टू टेक द मूव। ब्रेक कर दिया है हमने और हमारी एंट्री अब आ चुकी है, तो दिस इज द पोजीशन साइजिंग दैट आई हैव टेकन, अराउंड 20 लाख रुपीज, 13,500 क्वांटिटी से अपन घुस चुके हैं। जब इसमें 20 सेकंड बाकी थे मैंने घुसना चालू कर, 30 सेकंड बाकी थे तो मैंने एक बास्केट ऑर्डर बनाया था, 2 बार उसको 3 बार एग्जीक्यूट किया, एंड वी आर अप नाउ। सो वी आर अप एंड वी हैव ऑलरेडी क्लोज द डेज हाई। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मोमेंटम इज टेलिंग मी दैट वी आर हियर ऑलरेडी। अब हम देखेंगे क्या अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। निफ्टी तो भाई सुपर बुलिश हो गया, आई हैव मिस निफ्टी। निफ्टी का टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है 366, 60 पॉइंट्स के, 36 के अंदर, और अगला टारगेट निफ्टी का ये है। तो निफ्टी में क्या सब कोई सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, अगर एचडीएफसी बैंक, अगर ये देखो इस एचडीएफसी बैंक ओवर हियर, इफ दिस स्टार्टेड सपोर्टिंग, जैसा कि मेरा मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ, अगर ये सपोर्ट कर देता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी वही मोमेंटम देखने मिलेगा जो निफ्टी में। निफ्टी में तो बहुत बड़े टारगेट अचीव हो गया आज, सॉलिड ब्रेकआउट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम जो मेरे को चाहिए था। अब मैं मेरी ट्रेड को विनिंग ट्रेड बोल सकता हूँ। 2 सेकंड बाकी हो जा क्लोज, हो गया क्लोज भाई, बहुत बढ़िया। 2 लाख प्लस अपन आ चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है देख करके कि हमने एक बहुत शानदार ट्रेड पकड़ा है। हमें काफी अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है, विच इज अराउंड 30,900, 300 पॉइंट का टारगेट, बड़ा टारगेट है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पिवट। नेक्स्ट पिवट इज एट 714, देखते हैं। ये पिवट भी हमारा पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा टारगेट हमारा वही हो सकता है जो मूविंग एवरेज है। लेट्स सी क्या अचीव कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, मैं जब यहाँ पे आके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो मैंने आपको वीडियो दिया था इसमें भी करीब करीब कितने व्यूज आ चुके हैं, 40,000, 37,000 लोगों ने वीडियो देख लिया है ना, और 37,000 लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और आई एम वेरी हैप्पी ब्रो, आई मेड मनी टुडे बिकॉज थैंक यू सो मच। तो चलो, इट्स नॉट अबाउट, इट्स ओके दैट आप यू आर थैंक यू, एंड आपने एनालिसिस, आपने आई होप सीखा भी होगा, बिकॉज हर बार मैं नहीं डालूंगा, हर बार नहीं डाल सकता, तो हर बार मैं सारी चीजें नहीं शेयर कर सकता। आई होप यू लर्न ऑल्सो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इफ आई एम मेकिंग दिस मनी जो जा चुका है क्या ऑप्शन का डायनेमिक है भाई, क्या कर सकते हैं, दिस इज जस्ट टेकिंग अ पुल बैक, नो प्रॉब्लम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो क्लोजिंग दे चुका, टेंशन नहीं है। ये डायनेमिक्स ऑप्शंस के स्पेशली एक्सपायरी के दिन पे हमने फिर भी इन द मनी ट्रेड लिया हुआ है, प्लस हम लोग बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। मैं इसमें इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस मान के चलूंगा कि मैं इस पॉइंट के नीचे, यू नो मार्केट अगर आके क्लोजिंग देता है आई विल कट द ट्रेड, बट आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डे, सो टेंशन नहीं है। आई एम हैप्पी इफ आई एम मेकिंग मनी, यू ऑल आर मेकिंग मनी एज वेल। तो जितने लोगों ने निफ्टी में ट्रेड लगा उनका तो बहुत अच्छा, उनको तो यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी, बट मैं बैंक निफ्टी की तैयारी में बैठा था और एक बार हो जाता है बायस सबके साथ, मेरे साथ बायस हो गया। बैंक्स के इधर राइट साइड अगर देखोगे स्क्रीन मेरी, तो सिर्फ और सिर्फ इतने सारे स्क्रीन में सिर्फ इधर बैंक्स खोल के रखे, तो मेरा पूरा फोकस बैंक्स में चला गया। वही रीजन था देखो, प्लस माइनस चलता रहेगा, इसको छोड़ दो, डोंट फॉरगेट फोकस ऑन दिस पोजीशन बुक, इसको एकदम छोड़ दो, फालतू चीज है ये, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो निफ्टी में तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर लिया होगा अभी तक लोगों ने, बैंक निफ्टी में जिन्होंने मेरी तरह होगा तो अभी भी उतना ज्यादा नहीं कर पाए होंगे अभी, बट हम करेंगे, इट्स नॉट अ लाइक बिग डील। कोई डिफरेंस दिखाऊं आपको, अगर मैं डिफरेंस दिखाऊं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो एक 1.14% टू 0.8%, मतलब 0.3, मतलब 0.3 इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। बैंक निफ्टी में बस मैं जिस चीज का वेट कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया, दिस इज गोइंग टू गो सुपर बुलिश। ये देखो आगे अपन 3 लाख के ऊपर, आगे अपन 3 लाख आराम से अपन इसको काफी बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। जस्ट मेरा एक एचडीएफसी बैंक वाला ट्रेड भी परफॉर्म कर जाए, आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म करना, मैंने आपको, मैं क्या बताऊं, मैंने कल अपने सब्सक्राइबर्स को जो मेरे टीम है उनको आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट भेजा था। आईसीआईसी बैंक वॉज एट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिमांड जोन, और आज तो नीचे से, मतलब ये तो नीचे से उठ रहा है, फेक ब्रेकअप ब्रेकडाउन देखे, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है यार, तो इसमें तो बहुत सॉलिड मोमेंटम आ सकता है, इसका रिजल्ट भी है। ओके, वी आर रीचिंग अ ट्रेंड लाइन। चलो, तो एच डी एफ सी आईसीआईसी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पे है,
एचडीएफसी बैंक बस इसी का वेट है कि सेम ये भी तोड़ दे एक बार इसकी तरह, बैंक निफ्टी की तरह 50 मूविंग एवरेज, ये बैंक निफ्टी को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाएगा। जस्ट वेटिंग फॉर दैट, लेट्स सी नाउ हाउ मच टाइम इट टेक्स। करके पागल हो जाते तो आप चार्ट से ही बात करने लगते, जैसे एचडीएफसी को बोल रहा हूँ कुछ कर ले भाई, तू 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 क्या कर रहा है भाई, हाई पे हाई तोड़ यार, तब आप पागल हो जाते हो। मतलब आपके साथ भी होता होगा कभी ना कभी, जब यू बिहेव लाइक क्रेजी, सो हैपेंड विद मी। कर भाई कुछ, कर तू कर कुछ बैंक निफ्टी। पर ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। थोड़ा सा थक गया हूँ कि यार ये क्या पता नहीं कितना बड़ा मूवमेंट देगा नहीं देगा। जैसे मैं थोड़ा हारा, मैं अपने मूड थोड़ा सा डाउन हुआ, मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन की तरफ देखा, इस तरफ मतलब बड़े स्क्रीन में, भाई ये देख रहे हो ये क्या साइज है कैंडल का, ये क्या कैंडल है भाई। कभी कभी लाइफ में ऐसी कैंडल भी मिल सकती है, सो लोग होप ना छोड़े, कभी कभी मिल सकती है ऑप्शन बाइंग के दिन, तो चलो हो सकता है मिल जाए, तो भाई उम्मीद ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ कर रहा है नहीं, अब क्या बोलूं मैं, ये भी भाई मतलब ट्राई कर रहा है हाई तोड़ने के दिन का, तोड़ दिया क्या, ये भी ट्राई कर रहा है करंट डे हाई तोड़ने का, ये तोड़ दे तो मजा आए, या तो ये तोड़ दे तो मजा आए, ब्रेकआउट भी ले, डबल बॉटम बना के रीटेस्ट भी ले चुका है। पूरा उम्मीद मेरे को एचडीएफसी बैंक से है, जब ये ब्रेकआउट देगा तो बैंक निफ्टी भी साथ देगा, हम लोग कम से कम 2-3 लाख के ऊपर तो पहुंचे। आया भाई आया, चलो भाई फाइनली वी आर ब्रेकिंग आउट द लेवल्स। ऑलरेडी एग्जिट करने के लिए बैठा हुआ था, 156 की 7 की बाइंग है, 30 मतलब के अराउंड अराउंड 3 लाख रुपए वापस अपन आप आ गए हैं, वही ब्रेक इवन पे घूम फिर के। निफ्टी टच्ड इट्स 200 मूविंग एवरेज, एक तगड़ा टारगेट खत्म होता है, बट लेफ्ट साइड में देर इज नो रेजिस्टेंस जोन, स्टिल स्कोप टू ब्रेक द नेक्स्ट लेवल, और इसी के साथ स्कोप हमारे पास वापस आता है, इसका स्कोप हमारे पास वापस आता है बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी इफ नाउ ब्रेकिंग क्लोजिंग कितना 20 सेकंड बाकी ना, बस क्लोजिंग माइट गिव अस टू टारगेट। द फर्स्ट टारगेट इज डेफिनेटली 36714 एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड 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 ये वाला पिवट 36920, पिक टारगेट्स, बट या वी शुड ट्राई टू होल्ड अवर विनिंग ट्रेड, लेट्स सी हाउ गुड वी डू। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आ रही है यहाँ पे कि देखो इतने टॉप पे मार्केट के दिन के हाई पे इवनिंग स्टार्ट होना, फिर भी मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ या डर नहीं रहा हूँ, ये सब बिगिनर्स को लगा होगा यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए एग्जिट कर देना चाहिए, बट देखो चाहे आप कौन से टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हो मैटर नहीं करता, बट मार्केट तो बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता, मतलब ओवरऑल 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे नीचे थे, वहां से अपन बुलिश है और ओवरऑल दिन बुलिश है और टाइम बचा हुआ है, तो मैं स्टिल जब तक कि मेरा सपोर्ट नहीं टूटेगा, मेरा सपोर्ट मतलब कि ये मेरा सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है मेरे पास, दो दो मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज, तब तक इवनिंग स्टार हो कुछ हो, ट्रेड मैनेजमेंट स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, वी कैन नॉट एग्जिट बिफोर दैट। काफी परेशान कर रखा भाई एचडीएफसी, हद कर दिया भाई एचडीएफसी बैंक ने, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, क्या बैंक है यार क्या हो गया है इसके कारण। बाकी सब ट्राई कर रहे हैं मार्केट अप जाने का, सिर्फ एचडीएफसी के कारण पूरा मार्केट कूल डाउन हो रहा है, एचडीएफसी का वेटेज इतना हैवी है कुछ क्या बोलूं मैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग दे दी भाई दिन का ही थोड़ा है, लेट्स सी हाउ गुड वी कैन गो नाउ। एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, उम्मीद करते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 2:15 हो चुका है, अब आधा घंटा 45 मिनट्स बाकी है मैक्सिमम, 45 मिनट्स 1 आवर अपने टारगेट अचीव करने के लिए, जो कि डेफिनेटली पहला ये है, दूसरा 200 मूविंग एवरेज है। मार्केट बहुत कंसोलिडेट करके मतलब बहुत मुश्किल से जोन तोड़ा है, माइट बी अ गुड ब्रेकआउट, चलो भाई पहला टारगेट हिट हो गया, इट ऑल बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड इंडसइंड बैंक, मस्त मजेदार ये तो दे ही रहा है अपन को ब्रेकआउट, इंडसइंड बैंक ने भी सॉलिड ब्रेकआउट दे दिया है, सारे बैंक से एक बार स्टडी कर लेते हैं, फटाफट आ जाते हैं देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो इससे हमें मालूम चलेगा हम कितना दूर मोमेंटम ले सकते हैं, कितना बड़ा मोमेंटम हमको और मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक पोटेंशियल है, अभी भी हाई तोड़ा है, इसमें पोटेंशियल है, दिन भर मैनेज करने के बाद अब हाई तोड़ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में पोटेंशियल है, ये भी हाई तोड़ सकता है फिर से, कोटक बैंक फिर से हाई तोड़ सकता है, तो पोटेंशियल है अपने पास, एक्सिस बैंक काफी देर परेशान होकर के ऊपर जा रहा है, एसबीआई अगेन ट्राइंग टू ब्रेक, तो हमारे पास पोटेंशियल हाई है, इट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल की कितना हम बेसिकली कर सकते हैं, है वी हैव टू बी पॉजिटिव फॉर अवर ट्रेड एंड वी हैव टू कीप होल्डिंग इट। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं काफी हद तक इंस्टीट्यूशनल होते हैं और सेम होते हैं, अगर उसमें ब्रेकआउट आ रहा है तो इसमें भी आएगा, मतलब हम ये चीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
हमारा प्रॉफिट लगभग 4-5 लाख 6 लाख आ चुका है, बट डोंट लुक एट द प्रॉफिट, नहीं तो वो तो परेशानी कर देगा अपन को, लगेगा अभी बुक कर लेते हैं। एक टारगेट पूरा क्रश कर चुके हैं हम लोग, वी हैव क्रश द टारगेट, नाउ वी आर गेटिंग रिवॉर्डेड। और HDFC बैंक भी मैंने बोला था वो भी अब अपना काम करना चालू कर दिया है, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए और हम लोग HDFC में ना एक रेजिस्टेंस को पहुंच चुके हैं, बट द काइंड ऑफ मोमेंटम वी हैव गॉट आई थिंक इट इज गोइंग टू ब्रेक दिस एज वेल। एंड बैंक निफ्टी भी मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा कर सकता हूँ होल्ड करने की कोशिश करूंगा। ट्राई, इट्स नॉट अबाउट मनी एनी मोर, इट्स अबाउट माई ट्रेडिंग स्किल। रैली से स्टार्टेड, रैली फिर से स्टार्ट हो चुकी है, पावरफुल ब्रेकआउट अगेन, वी मस्ट बी एट 19 लाख रुपए राइट नाउ एंड द मनी डज नॉट, 20 लाख रुपीज, वेरी गुड फिगर। टूज में जाता तो बहुत अच्छा लगता है देख के यार, बट मेरे को ना मेरा प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे भी करके मेरे को जो राइट प्राइस एक्शन लेवल से वहीं एक्सिट करना है। मैं ट्रेड बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, HDFC बैंक नहीं, निफ्टी नहीं, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स पे काम करना है। भले थोड़ा सा अपन को कम प्रॉफिट 5 से 10 लाख कम चले जाएगा, बट आने वाले समय में मेरे को अपना कैपिटल 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी डालना है एक समय पे, तब मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा अगर अभी छोड़ने लग गया रुपीज देख करके। तो दैट्स व्हाई आई होल्ड व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन। अभी ICICI में पावरफुल ब्रेकआउट आ रहा है और SBI तो तोड़ दिया है, पावरफुल ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब दो बैंक और साथ दे रहे हैं। HDFC रुक चुका है, बट SBI और ICICI अब हमको नया हाइस दिलवा देंगे। दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस। जस्ट इसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, विल बुक द प्रॉफिट्स आफ्टर दिस। सो दिस इज द टाइम, इसी मोमेंटम मोमेंटम में हम प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, ठीक है, विल स्टार्ट बुकिंग अवर प्रॉफिट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने टारगेट अपने कुछ प्लेसमेंट लगा दिए, जितने भी निकलेगा देखेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक किया अपन ने, जो के ऊपर जा चुका है, यही मौका है। हमारे सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, पूरे पूरे लगे हुए हैं, एक ब्रेकआउट आया बढ़िया वाला और हमारे सारे प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। और ये वोलेटिलिटी चलती, इतनी एक्सेप्ट करनी पड़ती है हमको, नहीं एक्सेप्ट कर दी क्वांटिटीज। मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल ले रहा है, स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट टू बुक द बेस्ट प्रॉफिट्स। और 16,90,000 रुपए काफी बढ़िया प्रॉफिट है, और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने ये वाला जो ट्रेड है आप सब लोग के साथ शेयर किया, भले रात को लेट नाइट शेयर किया, 45,000 लोगों ने देखा, 45,000 लोगों ने, आई होप उसके अगर 10% लोगों ने भी पैसे कमाए होंगे तो अच्छा होगा। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड फुल ऑफ प्रॉफिट। एंड आपने देखा कितनी देर परेशान, मतलब लगभग लगभग आपको मालूम होना चाहिए, आप ट्रेडर हो तो समझ सकते हो, 3 बज गया भाई, 9 से 3 मतलब क्या हो गया, 6 घंटा सीट पे बैठना बिना कुछ खाए, सिर्फ एप्पल और वो। तो चलो गाइज, गुड प्रॉफिट बुक्स आपसे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आई होप आपको वीडियो देखे मजा आया होगा, काफी थक गया हूं मैं, बस इसके बाद सोऊंगा 2 घंटे के लिए, आपको भी मालूम होगा क्यों थक गया हूं, और आपने भी ट्रेड किया होगा आपको मालूम होगा कितना स्ट्रेसफुल दिन था, जो बैंक निफ्टी ट्रेड किया, जिसने निफ्टी ट्रेड किया वो तो एंजॉय कर रहा होगा भाई, उसका तो 200 मूविंग एवरेज कब का हिट हो गया, यहाँ भी 200 मूविंग एवरेज इसका लगभग हिट हो गया था। तो एनीवेज गाइस, आई होप आपको बहुत सीखने मिला, आपको रियल एक्सपीरियंस मिला और आपने पैसे भी कमाए, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम होना चाहिए वीडियो पहले आ चुका था, तो मैं डेफिनेटली जानता हूं मेरे को ऑलरेडी मेरे बहुत सारा फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कम से कम 100 के ऊपर मेरे को स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, कितने लोगों ने लाखों में कमाया, हजारों में कमाया। तो आई होप जितने लोगों का थोड़ा बहुत लॉस होगा बजट डे के दिन, आपने वो रिकवर कर लिया होगा। तो आप समझ रहे हो ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, यू शुड नो व्हेन टू टेक ऑप्शन बाइंग, वेन टू डू ऑप्शन सेलिंग, वेन टू डू नथिंग। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम में थे इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली अच्छे कैपिटल से ट्रेड किया। अब बाद में करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, इक्विटी ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, आपके लाइक करने से मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कॉमेंट करके बताना अबाउट द इमोशंस दैट यू फेल्ट, कैसा लगा वीडियो देखकर जरूर बात करना, ठीक है, कॉमेंट पे। लास्टली आपने देखा मैं जीरोधा ही यूज कर रहा हूं, भले कितना भी कैपिटल यूज करूं, और अपस्टॉक्स भी यूज कर रहा हूं इक्विटी के लिए, तो मैं दिखाऊंगा दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करवा लेना मेरे लिंक से, ओपन करने के बाद DMAT@boomingbulls.com पे अपनी आईडी भेज देना। हम लोग 2 से 3 टाइप के ऐप्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से एक तरीके का ऐप आपकी ट्रेडिंग को बेटर करने में मदद करेगा, और वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करवाया। तो मेक श्योर यू ओपन अकाउंट इन Zerodha एंड अपस्टॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, टेक्निकल नॉलेज जहां मिलती है, ऐसे ज्ञान की बातें तो हर जगह होती रहती है, बट टेक्निकल प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नॉलेज यहां मिलती है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।